बचते बचाते साहिबा पहुंची संतोष के पास। संतोष को लगा बड़ा झटका। दी, आप यहाँ क्या कर रही हो? साहिबा को देखकर मनवीर और घरवाले हुए खुश। संतोष को आया गुस्सा, लगी आने वाले स्यापी की भनक। साहिबा तू यहाँ क्या कर रही है पुत्र, यहाँ क्या कर रही है? अरे मम्मी बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। क्या? अभी कुछ देर पहले पता चला है कि जिस ब्याह के डेकोरेशन का मैंने ऑर्डर लिया था ना, वो और किसी की नहीं, सीरति और अंगद की ही शादी थी। ओए मेरी किस्मत में शप्पे शप्पे लिखे। मम्मी शांत हो जाओ, सब ठीक है। ओ चलो वधिया है, साहिबा आ गई और रब जो करता है चंगा ही करता है। तुझे जो बोलती हूँ गलत बोलती हूँ। वधिया है साहिबा आ गई, वो स्वाब वधिया है। पुत्र तुझे किसी ने देख तो नहीं लिया? खास तौर से अंगद है? नहीं मम्मी, देखने ही वाला था लेकिन मैं तो भाग गई, फिर बस वापस जा ही रही थी कि कीरत से टकरा गई। कोई गल नहीं पुत्र, कोई गल नहीं, ठंड पा बैठे थे, मैं पानी लेके आता हूँ। अब आगे क्या, अब आगे क्या? वो आगे का क्या मतलब? अरे उस साहिबा के यहाँ आने से सीरत के ब्याह में कोई अड़चन आ गई तो? दोषी, उस साहिबा का यहाँ आना रब की मर्जी है। वो रब ने काम के बहाने ही सही साहिबा को अपनी बहन के ब्याह में बुला ही लिया। अब साहिबा किते भी नहीं जाएगी, ऐसे ही रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे जीता, सच्ची मेरा मन भी बहुत उदास सी कि कुड़ी ब्याह में नहीं आएगी। वजह चाहे जो भी हो, तू आते गई ना, कुड़ी ब्याह भी अटेंड करेंगे। पता नहीं सीरत को पता चलेगा तो क्या होगा। बाबा जी मदद करते हैं। ये क्या सियाप्पा, ये क्या नया सियाप्पा शुरू हो गया।